तुमने कभी सोचा था कि कुंती के दिल पे क्या बीतेगी जब आपने उसके बच्चे को गोद दिया था? बोलिए सरला जी, आप चुप क्यों हैं? उस वक्त कुंती की जिंदगी के हालात कुछ और थे और बच्चे को गोद देना मेरी मजबूरी थी। लेकिन सरला जी, जब कुंती अपने बच्चे के साथ जीना चाहती थी तो उसकी मर्जी के खिलाफ आपको उसके बच्चे को गोद नहीं देना चाहिए था। मनोहर, ये बात मैं कितनी बार दोहराऊंगी कि यही कुंती के लिए अच्छा था, इसी में उसकी भलाई थी। एक कुंवारी माँ अपने बच्चे को क्या जिंदगी देती, उसके बाप का नाम क्या देती, और दुनिया उसे पाप की औलाद समझ कर ठोकर मारती, तो क्या ये सब कुछ कुंती बर्दाश्त कर पाती? मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ सरला जी, लेकिन आज उस बच्चे के पास माँ बाप दोनों का प्यार है, उसकी अच्छी परवरिश हो रही है, क्या कुंती के लिए खुशी की बात नहीं? सरला जी, कोई भी माँ इस तरह की खुशी नहीं चाहती। हर माँ चाहती है कि उसका अपना बच्चा उसकी आंखों के सामने रहे। मैं मानती हूँ, लेकिन कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने अच्छा काम किया है। कुंती की कोख से पैदा हुए बेटे को मैंने अनाथ आश्रम में मोहताज बने रहने के बजाय विदेश के स्वर्ग में पहुंचा दिया। लेकिन सरला जी, कर्ण अनाथ नहीं था, उसे गोद देने से पहले एक बार कुंती से पूछना चाहिए था। अगर मैं कुंती से पूछती तो क्या वो गोद देने देती? और फिर ये गोद देने की रस्म मैंने चोरी छुपे नहीं की, गवर्नर साहब के हाथों बच्चे को सौंपा गया है। सरला जी, अब जो हो गया उसे छोड़कर हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या होना है। ये जो मन बच्चे को वापस लाना चाहता है वो क्या? सुमित्रा, मन वो धोखेबाज कर्ण को वापस लाएगा? वो आज भी फिर कुंती को धोखा दे रहा है और कुंती धोखा खा रही है। मन कभी स्वीडन नहीं जाने वाला। हाँ, ये बात तो मेरी भी समझ में आ गई थी। दरअसल उसका इरादा स्वीडन के बहाने कुंती से स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर लेने का था और जिसमें वो कामयाब भी हो गया। मनोहर, तुम्हारे बताने के बाद मैं मन के घर गई, मैंने उससे भला बुरा कहा और वो स्टैम्प पेपर फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन उसने वो स्टैम्प पेपर आपको दे कैसे दिया? देता कैसे नहीं, मैंने उसे धमकी दी, अगर वो स्टैम्प पेपर उसने मेरे हवाले नहीं किया तो मैं उसकी पत्नी पुष्पा को सारी सच्चाई बता दूंगी। और ये सब सुनने के बाद वो स्टैम्प पेपर उसने मेरे हवाले कर दिया, मैंने वही फाड़ कर उसके मुंह के सामने फेंक दिया। क्या ये बात कुंती को पता है? नहीं, इस सिलसिले में हमारी कुंती के साथ कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, मैंने घुमा फिरा कर कुंती से ये पूछताछ की कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रही है, कहीं वो मुझसे कोई बात छिपा तो नहीं रही है। लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसे इस बात का डर है सरला जी कि आप तो पहले से उसके बच्चे के दुश्मन हैं, कहीं ये जानकर आप फिर से रुकावट ना पैदा कर दें। मन ने ये बात समझ ली है कि कर्ण कुंती की कमजोरी है और उसी का वो फायदा उठाना चाहता है। लेकिन ये अच्छा हुआ आपने स्टैम्प पेपर फाड़ कर फेंक दिया, अब वो कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरी परेशानी यही खत्म नहीं होती मनोहर। मन स्वीडन जा रहा है ये बात पुष्पा ने जाकर रोहित रस्तोगी को बताई। क्या? हाँ, और कुंती ने भी रोहित और उसकी माँ को जाकर कहा कि अगर कर्ण उसे वापस मिल जाता है तो क्या वो लोग उसे अपनाएंगे। उन लोगों ने क्या कहा? वो लोग कर्ण को अपनाने के लिए तैयार है। और ये बात रोहित ने मुझे ऑफिस बुलाकर कही कि मैं कर्ण को अपना नाम दूंगा उसका पिता बनकर। लेकिन इस सिलसिले में वो मुझसे कर्ण का स्वीडन का पता जानना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता कि मन कभी स्वीडन जाने वाला ही नहीं। सल्ला जी, आप रोहित रस्तोगी को उसकी असलियत क्यों नहीं बता देती? मैं बताने जा रही थी कि इतने में पुष्पा आ गई। पुष्पा की वजह से मुझे बात बदलनी पड़ी।
जिस दिन पुष्पा को मन की सच्चाई का पता चलेगा, पता नहीं तब क्या तूफान खड़ा होगा। अभी तक तो रोहित रस्तोगी को यह नहीं मालूम कि मन वही धोखेबाज है, वही करण का पिता है। जिस दिन उन्हें इस बात का पता चलेगा तो न जाने उनके दिल पर क्या बीतेगी। ये सोचकर तो मैं परेशान हो गई हूँ। अभी तो बात टल गई, लेकिन अगर दोबारा उन्होंने मुझसे स्वीडन का पता मांगा तो मुझे सचमुच सब कुछ बताना पड़ेगा। आपको बताना तो पड़ेगा, वरना वो लोग ये सोचेंगे कि आप चाहती नहीं कि कुंती को कर्ण मिले। मन पहले भी कुंती की परेशानी का कारण था और आज भी है। सुमित्रा, मन स्वीडन जाता भी तो कर्ण को कभी वापस नहीं लाता। वो कुंती को कदम कदम पर धोखा देता आ रहा है। उसने सिर्फ झूठी आस बंधाई है। सरला जी, कुंती को ये कैसे समझाया जाए कि स्वीडन के नाम से उसे दोबारा धोखा दिया जा रहा है? उसके दिमाग से ये बात निकालनी होगी, वरना वो इस उम्मीद में बैठी है कि कर्ण उसे वापस मिल जाएगा। बिचारी कुंती को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि मन उसके साथ फिर से चाल चल रहा है। लेकिन कुंती को इतना तो सोचना चाहिए कि अगर मन स्वीडन जाएगा तो क्या कर्ण को वापस लाएगा? पुष्पा, मैं स्वीडन जा रहा हूं, शोलापुर नहीं। और तुम्हें जितना यह आसान लगता है ना, उतना आसान है नहीं। मन, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि इसमें मुश्किल क्या है। पुष्पा, विदेश जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हजारों फॉर्मेलिटीज होती है जिनको पूरा करना होता है, पर तुम्हें तो हमेशा यही लगता है कि मैं जानबूझकर देरी कर रहा हूँ। अभी वीजे का इंतजाम नहीं हुआ है और जब तक स्वीडन एम्बेसी से कंफर्मेशन नहीं आ जाती मैं तो जाने की तैयारी भी नहीं कर सकता। यही बात तुम आराम से भी कह सकते हो ना, इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? पुष्पा, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मुझे झुंझलाहट होने लगी है। जिसे देखो मुझसे एक ही सवाल किया जा रहा है कि मैं स्वीडन कब जा रहा हूं, स्वीडन कब जा रहा हूं। अरे स्वीडन जाना को बच्चों का खेल है। मन, अगर वाकई इतनी मुश्किल है तो तुम मुझे पहले बता देते, जब सब तय हो जाता तब किसी को कहते कि तुम स्वीडन जा रहे हो। मैंने औरों को बताया कि स्वीडन जा रहा हूं? अरे बात तो तुम्हारे पेट में नहीं बचती। जिस दिन से मेरे मुंह से बात निकली है कि मैं स्वीडन जा रहा हूं, तुमने तो पूरी दुनिया के अंदर ढिंढोरा पीट दिया है। मन, मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी देर लगेगी जाने में। मैं तो इसलिए सबको बता रही थी क्योंकि तुम कर्ण को वापस लाने जा रहे हो, और मैं चाहती हूँ इस नेक काम के बारे में सबको पता होना चाहिए। पुष्पा, ये नेक काम तब हो पाएगा जब मैं स्वीडन जाऊंगा। और तुमने कुंती को मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, वो फोन कर करके मुझे बार बार तंग कर रही है। मन, तुमने उस बेचारी के दिल में उम्मीद की किरण जगा दी है और अब वो अपने बेटे को पाने के लिए बेसब्र हो रही है। जब इतने साल उसने अपने बेटे का इंतजार किया है तो इतनी बेसब्री क्यों हो रही है अब? तुम उस तड़कती हुई माँ की ममता को नहीं समझ रहे हो मन। पुष्पा, मैं समझ रहा हूँ। देखो, अगर मैं नहीं समझता तो क्या मैं कुंती को यह बताता कि मैं स्वीडन जाकर उसके बच्चे को लाने की कोशिश करूंगा? मन, तुम्हारी इसी बात ने तो मेरी नजरों में तुम्हें महान बना दिया। मेरे लिए वो दिन सबसे पवित्र दिन होगा जिस दिन तुम कुंती के बेटे को स्वीडन से वापस लेकर आओगे। पुष्पा, अब तुम मुझे ज्यादा महान बनाने की कोशिश मत करो, प्लीज। मैं सच कह रही हूँ मन, मेरा विश्वास करो, जब तुम कर्ण को यहाँ लेकर आओगे ना तो देखना पूरा शहर तुम्हें बधाई देगा। कुंती और कर्ण को मिलाने वाला मेरा पति, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात तभी मुमकिन हो पाएगी पुष्पा, जब छोटी बातें ना हो। देखो, अभी मेरे पास ना तो कर्ण का पता है और ना मेरे वीजे का कोई इंतजाम हो पाया। इन सब बातों को लेकर मैं खुद इतना परेशान हूँ। तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें स्वीडन भेज रहे हैं ना? क्या मतलब? नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी जगह किसी और को भेज दे? अरे ऐसे कैसे भेज देंगे, जब उन्होंने मुझसे कहा है तो कोई दूसरा कैसे जा सकता है? दरअसल तुम्हारी नई नौकरी है, हो सकता है कि उनका इरादा बदल जाए। और वैसे भी एक सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा है, तुम्हारी कंपनी ऑफिस के काम से तुम्हें ही स्वीडन क्यों भेज रही है? अब वो इसलिए कि वाह पुष्पा देवी वाह,
एक तरफ तो तुम मुझे महान बना देती हो और दूसरी तरफ तुम मुझ पे शक भी करती हो। नहीं मन, मैं शक नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही शंका हुई। और पूछ सकता हूँ ये शंका क्यों पैदा हुई? पुष्पा, क्या तुम्हें मैं इस काबिल नहीं लगता कि मेरी कंपनी मुझे किसी काम से बाहर भेजे? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात? तुम्हारे इस शक का मैं क्या जवाब दूं पुष्पा? ये तो वही बात हो गई कि मुझे नौकरी पे क्यों रखा गया और मुझे सिर्फ एमआर की नौकरी क्यों दी गई है। क्रिकेट टीम के अंदर 11 लोग क्यों होते हैं, 15 क्यों नहीं होते? और जो लोग चांद पर पहुंचे हैं सिर्फ उन्हीं को क्यों चुना गया? मैं तुम्हारा पति क्यों बना? इन सवालों का क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम फिर नाराज हो गए। तो और क्या करो, तुम बात ही ऐसी करती हो। तुम्हें हमेशा यह लगता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं, और अब मेरा ये स्टूडेंट जाना ये भी तुम्हारे हिसाब से ख्याली पुलाव है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा मन। तुमने जो कहा पुष्पा, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी कंपनी मुझे स्टूडेंट भेजने के काबिल समझती है, लेकिन अगर तुम्हें शक करना है तो शौक से। और हाँ, अब कुंती से भी कह देना कि मैं स्टूडेंट जा रहा हूँ अपने ऑफिस के काम से, उसके बच्चे को वापस लाने नहीं। लेकिन मन, तुम वहां जाकर कण को वापस तो लाओगे ना? लाऊंगा, बशर्ते वो लोग जिन्होंने कर्ण को गोद लिया है मुझे सौंपने को तैयार हो जाएं। तो कौन होते हैं वो लोग फैसला करने वाले? ट्रस्ट हमारा है, आश्रम हमारा है, हमने कोई आश्रम सरला के नाम पर नहीं कर दिया है। सवाल नाम करने का बिल्कुल नहीं है। वो तो यही समझ बैठी थी और उसे बताने के लिए मुझे ये फैसला करना पड़ा, और अब मैं मेरा फैसला बदल नहीं सकता। 2 महीने के भीतर उन्हें आश्रम खाली करना होगा। देखिए सूरजमल जी, मैं तो इंसानियत के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। उस औरत पर हैवानियत सवार हो गई है और आप मुझसे इंसानियत की उम्मीद रखते? आश्रम खाली होगा और उस जगत टावर बनेगा, और अब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, समझे? हेलो सूरज, अजीब आदमी, अपना फैसला सुनाया और फोन काट दिया। मनोहर, उससे अब बात करने का कोई फायदा नहीं। उसने कोर्ट के जरिए हमें नोटिस भेजा है ना, तो हम भी कोर्ट में जाकर उस नोटिस को चैलेंज करेंगे। इस तरह 2 महीने के अंदर आश्रम खाली करने को वो कैसे बोल सकते हैं? जब तक आश्रम की औरतों का कहीं और बंदोबस्त नहीं हो जाता, वो सब कहां जाएंगी? सुमित्रा, ये वो सोचता है जिसके दिल में दया धर्म हो। मुझे नीचा दिखाने के खातिर वो आश्रम की सारी लड़कियों को सड़क पर लाना चाहता है। सलाह जी, मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस नोटिस के खिलाफ कदम उठाइए। 2 महीने का वक्त बहुत कम होता है। मनोहर, मुझे इसी बात की परेशानी है, कहीं ये वक्त पूरा हो गया तो नोटिस के बल पर पुलिस लेकर आ गए तो क्या होगा? सरला जी, इसलिए कहता हूँ आप सोच विचार में टाइम मत गंवाइए, किसी अच्छे वकील को बुलाइए, उससे बात कीजिए। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ सरला जी, ये लड़ाई तो अब आपको लड़नी ही होगी, क्योंकि आश्रम की औरतों की जिंदगी का सवाल है। बेसहारा लाचार औरतों को आश्रय देने की जो जगह थी, वहां वो रेसिडेंशियल टावर बनाने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा ही करना था तो आश्रम बनाया ही क्यों? सल्ला जी, आश्रम तो उसने बनाया था समाज सेवा के लिए, लेकिन अब वो अपनी खुद की सेवा करना चाहता है, वहां टावर खड़ा करके अपनी जेब में भरना चाहता है। सल्ला जी, आप उनका मुकाबला कीजिए, जरूरत पड़े तो आश्रम की औरतों को लेकर यहाँ के गवर्नर से मिलिए, बड़े अधिकारियों से मिलिए। अरे, आश्रम को हटाकर टावर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लोगों को पता तो चले कि जो आदमी समाज सेवा का दिखावा करता था वो आज उसी आश्रम की जगह पर व्यापार करने जा रहा है। ये आदमी कितना अवसरवादी और स्वार्थी है। हाँ मनोहर, इसमें कोई शक नहीं कि सूरजमल जी सिर्फ स्वार्थी नहीं बल्कि घटिया आदमी भी है। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई कि सूरजमल जी ने कई बार आश्रम की औरतों पर बुरी नजर डालने की कोशिश की, यहां तक कि वो कुंती के पीछे भी लगे थे। क्या?
आदमी इतना गिरा हुआ है कि अपनी बेटी समान लड़की पर नजर रखता है? हाँ सुमित्रा, और तब से उनकी आंखों में मैं खटक रही, क्योंकि मैंने आश्रम में उनकी मनमानी नहीं चलने दी। ऐसे आदमी को तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। खुद तो रहते हैं महलों में और इन लोगों से इन गरीब औरतों का जरा सा सुख नहीं देखा जा रहा। वो इसलिए मनोहर, क्योंकि मैंने कभी आश्रम की औरतों का गलत इस्तेमाल होने नहीं दिया। अब कुछ भी करके आपको इस आश्रम को बचाना ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू मनोहर। आश्रम की सभी औरतों के भविष्य की जिम्मेदारी मुझ पर है और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप किसी अच्छे वकील को बुलाकर फौरन बात कीजिए। हाँ, मैं आज ही जाकर बात करती हूँ। अच्छा, नमस्ते। सरला जी, आगे जो भी होता है हमें जरूर बताइएगा। जरूर, नमस्ते।